सभी को नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आपके सामने एक जो है इम्पोर्टेंट खबर लेके आए हैं कि आजकल बहुत प्रॉब्लम थी कि फैमिली आईडी को अलग कैसे करें। तो दोस्तों, ये ऑप्शन जो है गवर्नमेंट ने दे दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने, कि आप अपनी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। यानी फैमिली आईडी में जो अलग अलग मेंबर जो है आप कर सकते हैं, किसी फैमिली में चार मेंबर हैं तो आप दो दो जो डिवाइड कर सकते हैं, और उसका ऑप्शन दे दिया। लेकिन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही खुद ही आप कर सकते हो। बिल्कुल मैं पूरा स्टेप टू स्टेप पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप घर पे ही अपनी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन का आपके पास आता रहे। तो चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप टू स्टेप क्या है वो इन्फॉर्मेशन, और कैसे आप जो है अलग अलग जो है अपनी आईडी कर सकते हैं फैमिली आईडी को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे। गूगल पे जाके आपने टाइप करना है PPP, ठीक है, परिवार पहचान पत्र। आप सिर्फ ट्रिपल पी जो है वहाँ पे फिल करेंगे। जब आप ट्रिपल पी जो गूगल में फिल करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा परिवार पहचान पत्र गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। फिर आपने इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से जो है ये परिवार पहचान पत्र ये साइट जो है खुल जाएगी। देखिए हरियाणा गवर्नमेंट की साइट खुल जाएगी। उसके बाद आपने फिर लॉगिन करना है। इस लॉगिन में आपके जो है दो तीन स्टेप आएंगे। वो किस प्रकार से स्टेप है मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ क्या वो स्टेप हैं। अब आगे जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी ये लॉगिन का स्टेप आएगा। स्टेप में ऑफिशियल लॉगिन करना है, मोबाइल से लॉगिन करना है, कैंप लॉगिन है, सिटीजन लॉगिन है। तो आप अगर आपका कोई ऑफिशियल लॉगिन है CSE सेंटर वगैरह तो आप यहाँ ऑफिशियल लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल में करना तो मोबाइल, अगर कैंप लगा रखा कहीं पर तो फिर कैंप वाले पे, और सिटीजन लॉगिन तो आप अगर सिटीजन हैं, आम नागरिक हैं आप, तो आप सिटीजन वाले पे ही कर सकते हैं। आप वैसे यहाँ पे भी ये कॉर्नर है, यहाँ पर भी आप अपना जो है क्लिक कर सकते हैं। बाकी सब में प्रोसेस लगभग सेम रहेगा। जब ये इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, फिर इसके बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। इसमें आपने अपना यूजर और पासवर्ड भरना, अगर आप ऑफिशियल हैं तो। अगर आप CSE सेंटर आपके पास, तो यूजर नेम और पासवर्ड आपने फिल करना है। तब ये फिल हो जाएगा। तो इसके बाद फिर अगर सिटीजन लॉगिन से करना है, सिटीज़न लॉगिन से करना है आपने, तो फिर आपके अंदर ये ऑप्शन जो है सिटीज़न लॉगिन का करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या कि डू यू नो द परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी, तो आपने येस और नो कर लेना है, ठीक है। तो आपने येस करना वहाँ पे। उसके बाद फिर आपने फैमिली आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। क्या करनी है आपने? फैमिली आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। तो जब आप फैमिली आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसे यहाँ पे ना, इसमें जो सर्कल दे रखा है यहाँ पे एंटर फैमिली आईडी, यहाँ पे फैमिली आईडी एंटर आपने करनी है। जो भी आपकी फैमिली आईडी है उसका नंबर आपने डालना है, और नंबर डालने के बाद फिर जब आप फैमिली आईडी एंटर करेंगे यहाँ पे, तो फिर आपके सामने ये खुल जाएगा। इसमें दो ऑप्शन आएंगे आपके, ठीक है, फैमिली आईडी यहाँ पे ऑप्शन आएंगे आपके। इसमें फिर क्या करना आपने, आपके मेंबर का जैसे नाम आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ, तो जिसको भी आपने अलग करना है ये ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। तो जिसको भी आपने अलग करना है तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो डॉट दे रखे ना यहाँ पे, मान लो आपके मेंबर छः हैं तो आपने तीन को सिलेक्ट करना, 1, 2, 3, इस पर क्लिक करना आपने, ठीक है। ऐसे क्लिक करके करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, सर्च नीचे जो ऑप्शन है ना प्रोसीड, ये जो ऑप्शन है प्रोसीड, जिसको भी आपने अलग करना, मेरा कहने का मतलब ये है जिसको भी आपने अलग करना, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो इसको करना है, फिर आपने एक इसको करना अलग और एक इसको अलग करना है, तो जैसे तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन करके फिर यहाँ पे आप प्रोसीड कर देंगे। तो जब आप प्रोसीड यहाँ पे करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर में ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लो मैंने चार कर रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने चार कर दो, चार मेंबर के यहाँ प्रोसीड किया मैंने, तो यहाँ पे ऐसे प्रोसीड करके थोड़ा सा ऐसे इंटरफेस दिखा देगा, वो प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आपके सामने फिर ये इंटरफेस आ जाएगा खुल के। इसमें क्या है, मान लो जो आप देखिए, नेम ऑफ द सिलेक्टेड न्यू सिलेक्टेड मेंबर, जो अपने न्यू सिलेक्टेड मेंबर किए थे वो यहाँ आ जाएंगे, और फिर जो ओल्ड फैमिली मेंबर वो यहाँ रह जाएंगे। मान लो किसी के छः मेंबर थे तो हमने चार को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फिर क्या है, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑप्शन देना पड़ेगा, जैसे ये हमारा बेटा है, जैसे डॉटर इन लॉ है, किसकी है, तो ये आपने पूरा यहाँ पे स्टेप है वो उसको फिल करना, हर एक की जो डिटेल आपने दोबारा से फिल करनी है। और जिसको सबसे पहले आप उसको करोगे जिसको आपने जो है फैमिली मेंबर बनाना है, मतलब जो एक जो बड़ा है जिसको आपने उसका जो हेड बनाना है उसका नाम पहले करेंगे, फिर उसके हिसाब से उसका जो रिलेशन रहेगा उसमें, फिर आप उसमें बार बार टिक करेंगे। देखिए बार बार, मान लें इस पर
क्लिक करेंगे तो फिर भी ऐसा खुलेगा। मान लो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया एक पे, तो ये आपने दिखाना है सन है डॉटर है क्या, ये पूरा आप दिखाओगे, आप ऐसे आपके जो ओल्ड हैं वो ऐसे रह जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा जो है एक नई आईडी क्रिएट करने का, ठीक है। तो जब आपकी बन जाएगी ये पूरी तरह से, तो आपने यहाँ पे वैलिडेट कर देना है, तो ये पे प्रोसीड कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी नई जो है फैमिली आईडी वो बन जाएगी, और उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक पार्ट में आपके एग्जिस्टिंग ओल्ड फैमिली के मेंबर रहेंगे और दूसरे में आपके न्यू सिलेक्टेड मेंबर रहेंगे। तो ये दोस्तों प्रोसेस है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर पे ही आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया है। तो ये थी आज की जानकारी। अगर इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता लग जाए किस प्रकार से हम प्रोसेस करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।